अर्थ प्रकाश देखने में तमाम भाइयों को, भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आपको ज्ञात होगा कि हमने कुछ दिन पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जो हड़ताल कर रहे हैं, उनके बारे में आपको वीडियोग्राफिंग भी दिखाई थी और ये भी दिखाया था कि किस तरह से अधिकारी, उन्होंने एलिगेशन लगाया था प्रदेश के अध्यक्ष ने, फार्मिस्ट, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने, विनोद दलाल जी ने, कि किस तरह से फार्मेसी एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उसके बाद रजिस्ट्रार फार्मेसी काउंसिल ने एक लेटर लिखकर डीजीएससी को इस बारे में अवगत भी कराया था। तो ये आंदोलन वहां से खत्म नहीं हुआ, ये आंदोलन कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, आज भी कॉन्टिन्यूसली ये आंदोलन चल रहा है। और इस आंदोलन की जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, ईएसआई यूनियन, पीजीआई रोहतक की यूनियन, रेडियोग्राफर यूनियन, ये सभी इकट्ठे मिलकर इस संघ के अंदर कूद चुके हैं कि अगर इन फार्मासिस्टों की मांगे, उचित मांगे, जो जायज मांगे नहीं मानी गई, तो हम सब इकट्ठा होकर एक ही छतर के नीचे आकर हम इनका पूर्ण तौर से हम इसका सहयोग करेंगे। और अब ये देखना है फ्यूचर के अंदर कि सब मुलाजिम इकट्ठे हो गए हैं एक जगह पर, अगर ये सरकार अभी भी ना जागी तो भविष्य के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। और डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, अर्थ प्रकाश। मैं विनोद दलाल, राज्य प्रधान एसोसिएशन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हरियाणा, मेरे हरियाणा प्रदेश के साथियों से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो एनएचएम की दो यूनियनें हैं, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया है, और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और हमारी जो ईएसआई की यूनियन है, उसका भी समर्थन हमारे पास आ चुका है। मेडिकल कॉलेज रोहतक का भी समर्थन हमारे पास आ चुका है और जम्मू कश्मीर और दिल्ली वगैरह से भी समर्थन हमारे पास आ चुका है। दोस्तों, हम पूरे हरियाणा प्रदेश के फार्मासिस्ट इकट्ठे होकर अगर हमारी मांगों को सरकार ने नहीं माना तो हम आने वाली 4 तारीख को हम सरकार के प्रति रोष प्रदर्शन, वित्त मंत्री के गृह क्षेत्र में जाकर नानों के अंदर रोष प्रदर्शन करेंगे बहुत जोरदार। आज सरकार ने हमें 11 बजे निमंत्रण देकर मीटिंग में बुलाया है, अगर ये सही नहीं फैसला सरकार आज नहीं लेती तो हमारे फार्मासिस्ट साथियों में हरियाणा प्रदेश में पूरा रोष है और उस रोष को हम एकजुट होकर सरकार को दिखाएंगे। धन्यवाद सर। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।